इससे पहले पकाओ। सारा पानी गिरा के गई है यहाँ पे, बादल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पानी में जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे थप्पड़ दे देना मुँह पे, बाद में नहलाऊंगी। अंदर चल, बारिश हो रही है। आज मैंने ना ऐसी पाइप लगानी ना, वो पानी खड़ा है जाके बचा रही थी, तो यहाँ पे फिसल गई है। बारिश हो रही है तो आती है तो फिर इतना जोर जोर से खींचती है ना, जब कपड़े बदलते हैं तो मैंने चिपकना शुरू कर देना है। कपड़े भी अभी मैंने आके जॉब से कपड़े इसके बदलवाए हैं। तो जी मौसम बहुत प्यारा है, हवा चल रही है, और चाय में रख के आई थी अंदर, वो आलू पालक बना के गई थी, तो खाना खाया है आके, तो अब चाय जो है बन रही है। तो मैंने कहा चले बादल बहुत ज़्यादा आए, बारिश शुरू होने वाली है, तो चले थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो बना लेते हैं। इसने अपने रोने धोने डाल के मेरी वीडियो सारी खराब कर दी है। अब ये मैं थोड़ा सा बना के क्लिप आती हूँ, तुझे मैंने जो बताना है फिर देखी, बदतमीजी करती है इतनी ज़्यादा। अभी अभी आई थी जॉब से, तो चाय मैंने बताया ना आपको रखी हुई है, तो वो पक रही है, छोटे बर्तन में आग रख दी है, तो उसमें ना सेक नहीं लग रहा, तो बड़े बर्तन जो थे वो धोने वाले थे, तो मैंने कहा चले वो ढक के रखाएंगे, पकेगी ना तो फिर डालूंगी। तो अभी मैंने एक मेरा काम है वो जाना है बाज़ार, वहाँ से मैंने घर का सामान वगैरह लेना, थोड़ा सा जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जैसे ऑयल, पत्ती, चीनी, ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी ले आती हूँ ना, तो फिर सारा महीना टेंशन ही रहती। सैलरी तो आ गई थी मेरी, तो अब मैंने निकलवानी है, तो मैंने कहा 5-6 हज़ार का जो ये सामान है ये मैं लेके आऊँ। वैसे जो लोकल सामान है जैसे अंडे, कोई और चीज़ घर की, वो तो इधर हमारी दुकान से आ जाती, मैं आते जाते ले आती हूँ। तो ये मसला भी हमारा हल हो गया, जो जुमा बाज़ार लगता है ना सब्ज़ियाँ वगैरह, मैं वहाँ से ले आती हूँ। और आज मैंने देखे कितना प्यारा अपना 5-6 साल पुराना जो है ना शर्ट वो पहनी थी, और जो अपना सुबह मैं पहन के गई थी, आज सब ये तारीफ़ कर रहे थे कि भाजी आपने कितना प्यारा सूट पहना हुआ है। मैंने कहा एक तो रोज़ाना सूटों की तारीफें होती हैं। तो हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा जो है ना बड़ी मज़े की लग रही है, और मैं इधर ही बैठी थी वहाँ पे ना, वीडियो कर जरूर नहीं सही आता, चाय मैंने उधर ही पीनी है। फातिमा को डांट डपट के पता नहीं अंदर चलेगी जाके क्या कर रही है, इतना तंग करती है जब देखती है ना। आज ये थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भी गई थी, इसने इतना तंग किया, बियर कह रही बियर लेके दो मुझे, बियर लेके दो, लेके दिए वो पक्के पक्के, कहती है किस तरह के ले दिए, मैंने तो नहीं लेने। मैं घर दे के गई थी वापसी पे, तो बेयरली इसने खाए, पता नहीं अब वापसी पे इसने खाए हैं कि नहीं खाए। तो हवा चल रही है और बारिश जो है ना हल्की हल्की हो रही है, तो मैंने कहा चले ना वीडियो बनाते हैं। इस तरह ना जो होता है ना सीन, ये देखो बादल जा रहे हैं ऐसे ऊपर भी खाएं, जरा बादल जो जा रहे हैं दिखा दें आप, दिखाएं, चलो दिखाओ ना कितना प्यारा मंजर है बादलों का। ये इसको तो शर्म ही आती है, जब मैं कहती हूँ ना कोई चीज़ दिखा दो तो इससे अपनी मर्जी करनी होती है, अगर मूड हो तो दिखा देगी, तो नहीं तो ना सी। तो मैंने कहा चलो आओ थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, तो फिर आके इसने बनानी शुरू कर दी। और यहाँ पे फातिमा का साइकिल पड़ा हुआ, तो चलो चाय भी मैं देख के आती हूँ। ये रोटियाँ जो है ना पड़ी हुई हैं, ये टुकड़े वो आती हैं सुबह भाजी काम वाली, उसने ला के रखी थी सीढ़ियों में, यहाँ पर मैंने अभी उठवा के ना उधर रखी है ये, मैंने कहा कल ले जाएगी। तो ये जो रोटियाँ ना ये भी इसी में डाल देती हूँ, वो आके ले जाएगी, तो मैं चाय दे के आती हूँ, अपने भी ले आती हूँ। अब मेरे साथ नहीं जाऊँगी मैं, हुमा को लेके जाऊँगी बाजार, जाऊँगी ना जुमा बाजार भी जाऊँगी, उसको ही लेके जाऊँगी। आप पागल हो मेरे लग जाओ। मैं पागल भी हूँ, इसको लेके भी जाऊँ, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, पतंग भी ला के लेनी है। आज मैं खुद ही ना शॉपर की बना दूँ पतंग, कल पतंग हुई थी ना, तो वो पतंग इसने पता नहीं कहाँ फेंक दिया, अब ये कह रही कि मुझे बना के दो। अब मैं अच्छा नहीं, मैं आपको अपने हाथों से बड़े शॉपर की वो जो होती है ना झाड़ू के पीले, उसके साथ बना के देती हूँ आपको पतंग, तो फिर आप उड़ाना, वो ऊपर उड़ा रहे ना सुबह लोग, तो आप भी अपनी छत पर जाके ना उड़ा लेना, ठीक है? मेरी शर्ट कहाँ है? इसकी कौन सी शर्ट है? अभी अभी कुर्सी से भी गिर गई है, तो इसको कुर्सी अच्छी नहीं लग रही, कह रही मुझे पता नहीं किस तरह की कुर्सी ला के दी है। तो ये ऐसे करोगी तो फिर फिसलोगी ना, गिरोगी ना।
एक तो मेरी फातिमा को बहुत बातें आती है, नहीं चलो ये चाय तुम्हारी, ये देखो वाइटल चाय वाला कप है इसका और ये मेरा है, उसको मैं उठा रही हूँ उसमें कुछ गिरा दे रही है, चलो चाय पीते हैं, फिर मैं अपने बेटे को चीज़ ला के दूँगी। यहाँ पे फ़ोन भी आया था, वो भी अभी सुना है। अच्छा वो लेके आओ जो वो दी थी मैंने मार्कर आपको दी थी, वो लेके आओ उठा के, गिनती में 1 2 3 4 5 6 सुनाना फातिमा। और 3 4 से आगे है कोई चीज़ के नहीं? दोबारा सुनाओ हमें गिनती। चार चार चार, चलो सही है। और फातिमा क्या क्या लेना अपने बाजार से? जीजा हो गया नहीं नहीं जीजा चीज होती है, चीज दिला देंगे आपको। ये दे दो। नहीं ये गिर जानी, आप जैसे बैठ रहे कुर्सी फिसल रहे चाय सारी नीचे गिर जानी है। अभी अभी बारिश हो रही थी तो अब धूप निकल आई है, देखे मैंने कहा चले बाहर धूप भी अब दिखा देते हैं। और मटरों वाला जो है ना उसने ऐसे बाग लगानी शुरू की, पूछ रही थी किसका किलो है, 80 रुपये किलो कह रहा है, 100 रुपये खराब, 200 रुपये 2.5 किलो, नहीं ये ठीक वो ही अंकल है जिससे मैंने आगे लिए थे, नहीं हमारे मटर पथेरे पड़े हुए हैं अगर लेने हुए ना तो फिर वो ले आएंगे। मैंने तो कोई 5 6 किलो जो होते हैं ना दाने वो निकाल के रखे हुए फ्रीजर में। फातिमा भी आ गई है, वो भी मेरी नकलें उतार रही है जो मैंने शॉर्ट के लिए बनाया था ना क्लिप। तो ये क्या हो रहा है, ये बोतल पापा ने कहा था मुझे चाहिए तो ये तुमने काट दी है, मैं बताती हूँ अभी तेरी पटाई करवाती हूँ इसको, तो बस यही मैं आपकी भी करवाती हूँ, मैं आपको भी ऐसे करती हूँ, मैं आपको भी वैसे करती हूँ। हवा इतनी चल रही है कपड़े उड़ रहे हैं, तो अब ये है कि चाय मेरी ठंडी हो गई, मैंने पीनी, मैंने तो बहुत धूप निकली थी, मैंने कहा चलो खा के आती हूँ आपको, कि बारिश के साथ साथ धूप जो है ना वो भी निकल रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी साथ में हो रही है। तो अब जाना है बेटी को छोड़ने उसके अकेडमी, तो चाय पी के फिर उधर निकलते हैं।